यहाँ हम डिस्कस करेंगे अब समानांतर यानी समतल संचार, इसको हम हॉरिजॉन्टल या फिर लैटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे नाम से ही पता लग जाता है समानांतर की बात हो रही है, तो समानांतर में क्या होगा? सोचने वाली बात है कि सब के सब इक्वल होंगे, जो भी कम्युनिकेशन आ रहा है वो इक्वल हो रहा है। अब मान लीजिए कि ये कुछ मैं डिजाइन बना लेता हूँ, उससे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये जैसे एक ग्रुप मैंने बनाया है और इस ग्रुप को लेकर अगर हम बात करें तो इस ग्रुप में क्या है, सभी के सभी एक समान हैं। सभी समान कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, या कोई किसी से भी, कोई किसी से भी, कोई बोर्ड रोक टोक नहीं, ये वाला जा करके इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब समान कम्युनिकेशन होना, बिल्कुल समान। अब यहाँ पर क्या है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या था कि ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था, नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हो रहे हैं एक समान तरीके से। ठीक है, समान तरीके से कम्युनिकेशन करना। अब समान तरीके से कम्युनिकेशन करने में क्या होगा, कंडीशन कैसी कैसी आएंगी उसमें देखते हैं थोड़ी सी। देखिए, जो कंडीशन बनेंगी उसमें अधिकारी की अधिकारी के साथ बनेगी, ठीक, कर्मचारी है तो कर्मचारी के साथ, और अगर सोचने वाली बात है कि कर्मचारी नहीं है तो मित्र है, मित्र के साथ, भाई है तो भाई के साथ। तो इस प्रकार से समान कम्युनिकेशन की स्थिति बनेगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, एज ग्रुप इतना मैटर नहीं करती। एज ग्रुप का भी देख लेते हैं कैसे, कि जैसे मान लीजिए एक ग्रुप में, जो एक ग्रुप है उस ग्रुप में एक व्यक्ति की हम बात कर लेते हैं, एक की तो नहीं, अलग अलग व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति है वो 14 साल का है या 16 साल का है या 15 का हो सकता है या 13 का हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है फिर से 14 का, यहाँ पर हो सकता है 17 का भी हो, यहाँ हो सकता है फिर से 16 का हो, यहाँ 13 का भी हो, तो ऐसे हो सकता है। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, क्या ये बोलेंगे भाई छोटा भाई बड़ा भाई, नहीं, एक ग्रुप की तरह कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं, एक चक्कर की तरह चल सकता है ये वाला। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है इनके बीच में। यहाँ पे एज मैटर नहीं कर रही, ये सब आपस में क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोस्त हैं। ठीक है, और दोस्ती में कभी कोई एज होती है, दोस्ती में कोई एज नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ठीक, वही कंडीशन आपकी कहाँ जाती है, घर में, फैमिली मेंबर्स में। फैमिली मेंबर्स में जो आप भाई बहन होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, क्या उनमें ये होता है कि नहीं मैं बोलूँगा मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं ही करूँगा मैं छोटा हूँ, बात तो सबकी चलती है ना वहाँ पर। तो आपका जो दोस्तों का ग्रुप होता है, आप व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाते हो, फेसबुक पर ग्रुप बनाते हो, उसमें क्या आप पूछते हो भाई आपकी एज क्या है, वो बोलेगा भाई मेरी एज तो अभी 16 साल है, आप बोलोगे भाई ऐसा है आप तो हमारे सीनियर हो, आप हमारी एज क्योंकि 14 साल है तो आप हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते, वो बोलेगा फिर तो भाई ऐसा है कि 14 वाली ही आएगी बात यहाँ पर। तो एज ऐसे मैटर नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है, कि आप किसी की आयु को लेकर या फिर किसी के पद को लेकर के यहाँ बात नहीं करेंगे। अब पद की बात कैसे हो गई, जैसे अभी बात करते हैं अधिकारी की कर्मचारी के साथ में, अधिकारी वर्ग की कर्मचारी वर्ग के साथ में जो कम्युनिकेशन चल रही है, जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के आप बात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये ऑफिशियल यहाँ बात नहीं हो रही, किसी ऑफिस को लेकर हम बात नहीं कर रहे। मान लीजिए कोई दो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है, एक अधिकारी बन गया और एक कर्मचारी बन गया, है तो वो दोस्ती। अब वो दोस्ताना अपना ऑफिस में नहीं निभा सकते, क्योंकि ऑफिस में तो ऑफिस पर रहेंगे, लेकिन जब वो ऑफिस के बाहर निकल गए तब वो क्या है, वो उम्र में एक दो साल छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन है वो दोस्त। ठीक, तो क्या करेंगे, सेम कम्युनिकेशन, जैसे आपका हस्बैंड वाइफ में ले लीजिए, कभी कभी क्या होता है हस्बैंड वाइफ से 4-5 साल बड़ा होता है, 4-5 साल बड़ा भी होता है,
कभी कभी वाइफ 4 से 5 साल बड़ी होती है, तो क्या हो गया, क्या एज को लेकर के वो बोलेंगे कि भाई नहीं मैं तुमसे बड़ी हूँ या मैं तुमसे बड़ा हूँ? ठीक, वो क्या है, एक इक्वल उनकी पोजीशन है हस्बैंड वाइफ की, वो इक्वल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे समानांतर यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में कम्युनिकेशन होना। ठीक है, इससे हम किसी को कोई ऊंचा नीचा या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे इसमें। हम इसको अब आगे समझेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको समझेंगे। अब देखिए, इसका पहला उद्देश्य जो होगा आपका वो क्रय विक्रय, ठीक है, यानी कि सेल परचेसिंग जो होती है, ठीक है, उत्पादन, बंटवारा, ठीक, कोई भी प्रकार की प्रक्रिया होगी। समझते हैं हमको कैसे, एक एक करके समझ लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट के तौर पर लिख देता हूँ, क्रय विक्रय, श्रम, श्रम उत्पादन होगा, उत्पादन, विपणन, वित्त लेखा, अकेशन, ठीक है, तो इन सब प्रकार के हम बात कर रहे हैं। अब देखिए समान कैसे होंगे, समान कम्युनिकेशन में कैसे स्थापित होगा। क्रय विक्रय की स्थिति को लेकर देखते हैं। पहले आप लोगों ने सभी ने सुना है OLX चलता है, ठीक, OLX वेबसाइट है। अब उस पर क्या किया आपने, अपना मोबाइल फोन लिया, डाल दिया, आपको बेचना है, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन है ए, इसने अपना मोबाइल फोन दिया कि भाई मुझे अपना मोबाइल फोन बेचना है। अब क्या इसने पर्टिकुलर कोई बंदा डाला कि मुझे इस कैटेगरी के बंदे को, यानी कि उच्च वर्ग का होना चाहिए, ठीक, ऐसी कोई कैटेगरी डाल दी, या फिर कोई अधिकारी होना चाहिए, ठीक, या फिर वो मेरी आयु का होना चाहिए, आयु समान हो, क्या ऐसी कोई कैटेगरी की लिस्ट आपने कभी देखी है? ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे, OLX पे जाओ या इंटरनेट पे जाओ कि भाई वहाँ पर ऐसी कोई कैटेगरी हो कि आपने कोई सामान डाला और बोल दिया कि भाई इस कैटेगरी के इंसान को ही मैं अपना ये सामान जो वस्तु है वो बेचूंगी, या फिर जो खरीदने वाला है वो ऐसी लिस्ट बना दे कि आप कौन से धर्म, कौन से जाति या किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, ठीक है, उच्च वर्ग के हो या निम्न वर्ग के हो, या फिर आप अधिकारी हो, चपरासी हो, क्या हो आप, या फिर आपकी आयु सीमा क्या है बताओ हमें। इन सब कैटेगरी को देख के ही मैं आपसे फ़ोन खरीदूंगा, तभी आप मेरे लायक बनोगे फ़ोन खरीदने लायक, ये संभव हो सकता है? नहीं। यहाँ पर क्या हो गया कि जो भी इंसान होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जो इंसान होगा, नेक्स्ट जो पर्सन होगा, ये वाला देखिए कितना शातिर सा लग रहा है वैसे तो खरीदने लायक, लेकिन फिर भी खरीद रहा है चीज़ों को, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसको मैं बी नाम देता हूँ, ये बी वाला बंदा ए से सीधा खरीद लेगा, डील कर लेगा, ना कोई आयु सीमा होगी, ना ही कोई लिमिटेशन होगी, ना कुछ। इसने एक रेट बताया कि भाई मैं 5,000 में बेचूंगा, ठीक है, ये बोलेगा भाई 5,000 बहुत ज़्यादा, ये कोई तरीका थोड़ी है, सेकंड हैंड बेच रहे हो, नया थोड़ी दे रहा हूँ मैं, बोले 6,000 का नया मिल जाता है। ने बोला तुम कितने में लोगे बताओ, बोला देखो बार्गेनिंग शुरू होती है, इंडियंस बार्गेनिंग बहुत करते, ना तुम्हारे ना मेरी, एक काम करो 3,000 में दे दो, ठीक है, 3,000 बोला। ये बोला अच्छा यार 3,000 तो बहुत कम है, आपने से 2,000 घटा दिए, कंडीशन देखो अभी 4 महीने पुराना तो फ़ोन है मेरा, 4 महीने पुराना तो फ़ोन है मेरा, तो क्या होगा? बोला ठीक है यार एक काम करो बीच का कर लेते हैं 4,000 रुपये में। अब ये भी खुश, वो भी खुश, किस्सा ख़त्म, सेल परचेस हो गया, ठीक है, क्रय विक्रय की स्थिति आ गई। अब इस क्रय विक्रय की स्थिति में किसी ने बात नोट की कि किसने मेरा फ़ोन लिया, ठीक है, किसको मैंने सामान बेचा। आप दुकान पर सामान लेने जाते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, क्या शॉपिंग मॉल वाला आपसे पूछता है कि आप जो कपड़े खरीद रहे हो वो किसके लिए खरीद रहे हो? हाँ, हालांकि यार उसका पूछने का मतलब वैसे हो सकता है, वैसे कैसे, आप जाकर पूछो कि जी मेरे को अपने वो मेरे को बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, ठीक है, कोई अनजान व्यक्ति मतलब जाए जिसका बच्चा ना हो, वो दूसरे के लिए कपड़े ले कि मेरे को बच्चे के लिए कपड़े लेने हैं, वो क्या बोलेगा, सर बच्चे की आयु बता दीजिए बस। आयु हाँ क्यों पूछ रहा है वो, क्योंकि उसको कैटराइज करना है कि क्या कितने साइज का कपड़ा सही होगा, ठीक है, वहाँ आयु इसलिए पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि आप सर बोलो कि सर वहाँ तो आयु पूछ रहा है वो,
आयु पूछने का मतलब क्या, उसको वो नहीं पूछनी चाहिए, वो इसलिए पूछ रहा है कि आपको सही चीज मिल जाए। वहां कोई कंपलसरी नहीं है वो पूछना, वो कहेगा अपने आप ढूंढ ले भाई, हाइट नाप ले, अपने आप आयु लेके अगर से अपने आप सोच उस बात को, ठीक है। वरना वहां पर वो एक वो लगा देगा, होता ना कि भाई कपड़ों में साइज होता है एक्सल डबल एक्सल 50 साइज 40 साइज एक्सल, ओ सॉरी एक्सल कह रहा हूँ, वो साइज है उसके हिसाब से कैटराइज उन्होंने डिवाइड कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने इंसानों को भी डिवाइड कर दिया, कम्युनिकेशन का संचार का माध्यम है वो भी उसने डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा सिंपल वे में, अब हम इसमें इसी में देखते हैं जो श्रम उत्पादन की स्थिति है वो कैसे होगी। देखिए श्रम उत्पादन में स्थिति कैसे बनेगी आपकी, कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, ये हो गए चार बंदे, ठीक। इन चार बंदों ने कोई काम शुरू किया, ये किसी ऑफिस में मान लीजिए, फिर अपना पर्सनल काम या कोई कर रहे हैं, तो जिससे भी काम कर रहे हैं, जिसका भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस काम में इनको आपस में अगर कम्युनिकेट करना उस काम को करने के लिए, सोचिए आपस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके ये मैं ऐसा कर देता हूँ इनको, तो ये लगेगा ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब देखिए आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तब क्या बोलेंगे भाई देखिए ऐसा तेरी एज कम है, या फिर तू ऐसा है वैसा है तू हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, या फिर हम तेरा सहयोग नहीं करेंगे, वो एक ईर्ष्या वाली बात अलग होगी अगर उनके अंदर ईर्ष्या है तो, लेकिन आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, आपस में तो करना पड़ेगा उनको। अब जहां अगर आपस में कम्युनिकेट वाली बात नहीं आएगी तो क्या होगा, श्रम उत्पादन की जो स्थिति है वो गड़बड़ा जाएगी। कैसे, एक काम है उसका चार पार्ट में वो पूरा होता है, ठीक है, चार पार्ट में एक काम पूरा होता है, मतलब उसकी स्टेज वन ये है, वन स्टेज, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ, ये जब चार स्टेजेस कंप्लीट होंगी तभी वो वर्क यहां पर कंप्लीट आएगा बन करके। अब लेकिन इसमें से ये बंदा कहता है भाई ऐसा है मैं तुम लोगों को साथ दूंगा ही नहीं, ठीक है, मैं तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तब क्या होगा, क्या ये वाली स्टेज कंप्लीट हो पाएगी, तब भी इनको कम्युनिकेट, भाई क्या प्रॉब्लम हो गई बताओ हमें बात बताओ, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन अब ये बोलेगा भाई ऐसा है मेरी एज तुम लोगों से छोटी या बड़ी है, ठीक है, ऐसी कुछ बात बोले ये तो बोलेंगे यार क्या बात कर रहा है, हम सब एक समान काम कर रहे हैं, उस एज पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो काम करना है, किस्सा खत्म, काम करना है, काम हो जाएगा बात खत्म। अब यहां पर क्या होगा कि क्या बॉस ये बोल देगा काम तो तुम एक जैसा कर रहे हो लेकिन तुम्हारी जो एज है या फिर तुम्हारी ऊंचाई नीचाई, ठीक है, हाइट, हाइट भी कोई मान रख सकती है, हाइट कम है तो इसलिए तुम्हें इतना पैसा कम मिलेगा, तो 5 फुट वाले की सैलरी तो इसका मतलब 5,000 होगी, ठीक है, तो इसको 1,00,000 सैलरी उसको कहां जाना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। तो ऐसी चीजें मैटर नहीं करती, जब समान कम्युनिकेशन है तो समान चीजें होती हैं। अब इसी में ही इसी कंडीशन में समझाता हूं ये जो डिपेंडेंट की स्थिति है कैसे आती है, यानी कि बांटने की स्थिति, किसी चीज को डिवाइड करने की स्थिति कैसे आती है। यहां पर जब बॉस ने काम दिया, ठीक, और बॉस ने बोला कि भाई आप लोग ये काम करेंगे, तब इनको पता है कि इनकी स्टेजेस क्या क्या है, नंबर वन स्टेज, नंबर सेकंड स्टेज, नंबर थर्ड स्टेज, नंबर फोर स्टेज, ऐसे काम पूरा हो रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा कर सकते हैं आपस में चेंज करने में अपनी स्टेज, भाई वो स्टेजों को चेंज नहीं कर सकते, अपना काम अंदर चेंज कर सकते हैं कि नंबर तीन वाला जो है वो नंबर चार की जगह ले ले, कि भाई मैं तेरी जगह लेता हूँ तू मेरी जगह ले ले, ऐसे वो कर सकते हैं। वो क्या है, वो इनका आपस का कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, ठीक है, वो किसी और के थ्रू नहीं कर सकते। अब वो बोल दे मैं कि भाई काम करो, बॉस को बोले बॉस एक काम करो आप नंबर सेकंड की जगह ले लो, बॉस कहेगा तू ऐसा ऑफिस से बाहर चल, तू ज़्यादा मजाक बना रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ कंडीशन, आप समानांतर वर्ग में ही कम्युनिकेट कर सकते हो, ऊपर नीचे ऐसी कोई स्थिति इसमें नहीं आती, हर कम्युनिकेशन समानांतर स्थिति में होगा। सोचने वाली बात है कि जैसे आप मजाक करते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड साथ में मजाक कर रहे हो, जोक कर रहे हो, क्या वही जोक आप अपने माता पिता के साथ में कर सकते हो, जो बातें शेयर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कर सकते हो, क्या वही बातें शेयर आप अपने भाई बहन माता पिता परिवार के साथ में कर सकते हो, मुश्किल है करना, ठीक है। कहते ना कि इंसान अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, तो आप दोस्तों को बता सकते हो क्योंकि वो आपके समानांतर आपको चीज़ सोचते हैं समझते हैं,
ठीक है, आप उनसे बातें शेयर कर सकते हो, वो आपसे कर सकते हैं, लेकिन आप हर बात अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पर आपको एक समानांतर का भाव दिखाई नहीं देता। ठीक है, हालांकि आप घर में रहते हुए समानता आप कहाँ हो उस घर में, कि आप घर के सदस्य हो, आप वहां पे समान हो। ठीक है, वहां पर आप चीजों को डिस्कस कर सकते हो घरेलू चीजों में लेकर के, लेकिन आप जो पर्सनल लाइफ होगी उसमें आप मुश्किल से चीज डिस्कस कर सकते हो। तो इस प्रकार की स्थिति आती है इसमें। इसमें आएगा आपका एक और वित्तीय लेखा। वित्तीय लेखा की स्थिति में हम देखिए कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, अकाउंट्स में तो नहीं घुसूंगा, छोटे एग्जाम्पल देता हूं कि एक देखिए बहुत अच्छे इंसान से बना रहे, इस बार अच्छा बनेगा शायद, थोड़ा सही बना शायद। ठीक है, ये इंसान ये परिवार का मुखिया है, मुखिया। अब इसमें क्या किया, इनके चार बच्चे हैं, वैसे तो हम दो, हमारे दो कर आ गए, लेकिन भाई साहब इनके चार हैं, क्या हो गया, हो सकता है। अब क्या हो रहा है, चारों बच्चों की उम्र में ज़्यादा गैप भी नहीं है। ठीक है, क्या पता कोई दो जुड़वा भी हुए हो, ये भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अब ये एक कंडीशन आती है घर में कभी कभी, उतना पॉकेट मनी या फिर खर्चा करने वाली कंडीशन। अब ये सोचो अगर ऐसा बोल दे कि तुम मेरे बड़े बच्चे हो, कोई भी लड़का लड़की हो सकता है, एक्स वाई जेड, यहाँ पर बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। ठीक है, बोले बड़े हो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा खर्चा होगा, सबसे छोटा तो मेरा लाडला है, उसके ऊपर तो चार गुना खर्चा करूँगा, तुमसे भी ज़्यादा चार गुना खर्च छोटे बच्चे के ऊपर मैं करूँगा। ठीक है, तो फोर टाइम्स एक्स्ट्रा हो गया इसके पास में। अब ये दोनों क्या है, मतलब तुम तो बीच के हो, ठीक है, नॉर्मल हो, पड़े रहो, जिंदगी काटो अपनी, छोटे भाई के जो कपड़े मिलेंगे वो देख लो, बड़े भाई के कपड़े मिलेंगे वो देख लो, चीज़ें आपस में एक्सचेंज करो। ठीक, क्या हुआ, ऐसा पॉसिबल आपने देखा है किसी घर में, माँ बाप के लिए? क्या हुआ कंडीशन में, कि ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पर कैसे अप्लाई होगी, कि एक दो तीन चार का चार बच्चों में माँ बाप डिफरेंस कर सकते हैं, वो एक चीज़ जो सोचेंगे दूसरे के लिए भी वही सोचेंगे। ठीक है, और वह चाहेंगे कि भाई मेरा एक बच्चा, ये नंबर दो वाला जो बच्चा है, ये पढ़ लिख के तो बन जाए आईएएस ऑफिसर। ठीक है, नंबर तीन वाले बच्चों को मैं चोर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, इसको बनाएंगे वो चोर। नंबर फाइव को बोल, नंबर फोर को क्या बोलेंगे, बोलेंगे तू एक काम कर, तू वो उतना कूड़ा बीनने वाला, ठीक है, तू वो बन जा। ठीक, और नंबर वन को क्या बोलेंगे, बोले तू कुछ मत कर, तू अनपढ़ रहे, इसको अनपढ़। क्या संभव है ऐसा, माँ बाप क्या बुरा सोच रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, वो अलग अलग कैसे डिवाइड कर रहे हैं। बच्चे सब समान होंगे तो वो चीज़ें भी समान सोचेंगे, पहले क्या बोलेंगे, सबको पढ़ाई करनी है, दिल लगा के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तब अच्छे पढ़ेंगे, फिर बच्चे नौकरी पर जाएंगे। हाँ, हालांकि नौकरी में उनका फैसला वो नहीं ले सकते कि भाई किसको क्या काम करना है, फिर किसको क्या पढ़ाई करनी है, ऐसी बात नहीं करते, वो पढ़ाएंगे वो ठीक है, शादी भी आऊँगे वो सब ठीक है, वो सब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, वो समानांतर के भावों में आना चाहिए बस। ठीक, ये मैंने क्या समझाया, क्योंकि यहाँ जो पॉकेट मनी मिल रही है सबको समान मिल रहा है, अगर महीने के 1000 रुपये इनको मिल रहे हैं तो 1000 इन सबको मिल रहे हैं, जितना एक पे खर्च हो रहा है उतना दूसरे पे भी खर्च हो रहा है। अब घर में बनी है, एक तो बना दी उन्होंने मटर पनीर की सब्जी बना दी, और एक बना दी उन्होंने तोरी की सब्जी, बोलेंगे मेरे दो बच्चे मटर पनीर खाएंगे, दो बच्चे तोरी खाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं इनसे कम प्यार करता हूँ। लॉजिकल बात है, नहीं है लॉजिकल बात नहीं है ना, माँ बाप खुद ऐसा कर सकते हैं कि वो तोरी सब्जी खा गए आपको मटर पनीर खिलाएं, लेकिन क्या आप उन वो खुद मटर पनीर खा गए आपको तोरी खिलाएंगे, ये भी संभव नहीं है। तो क्या होता है, समानांतर प्रक्रिया के अंदर ही चलती है ये चीज़ें, हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वे कम्युनिकेशन है। देखिए कैसे होगा कि जो एक ग्रुप बन रहा है, ठीक है, सबको इक्वल समझा जा रहा है, सब इक्वल एक दूसरे के, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, ऐसी कोई कंडीशन दी नहीं, जहाँ पर ऊपर नीचे ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी, वहाँ अच्छे मानवीय संबंध आपको दिखाई देंगे। कैसे, देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, आपने एंशियंट टाइम पे देखा होगा, प्राचीन टाइम पे क्या कंडीशन थी, एक था उच्च वर्ग,
ठीक, एक था निम्न वर्ग, और उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग को दबाता रहता था। ये कंडीशन थी ना पुराने टाइम पर कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग को दबाएगा। लेकिन देखिए कम्युनिकेशन तो वहां भी चल रहा है, कैसे चल रहा है, उच्च वर्ग का कम्युनिकेशन उच्च वर्ग के साथ में और निम्न वर्ग का कम्युनिकेशन निम्न वर्ग के साथ में चल रहा है। आई चलेगा? अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर आपस में कुछ प्रॉब्लम आएगी कि निम्न वर्ग वाले कहेंगे यार मैं तो निम्न वर्ग हूँ, तू जैसे निम्न वर्ग से क्यों बात करूँ, मैं तो उच्च वर्ग वाले से करूँगा, और उच्च वर्ग वाला कहेगा कि चल बे चल हर बार उच्च वर्ग में बात करने जाते हैं निम्न वर्ग से बात करते हैं। नहीं भाई, समान प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हालांकि अब तो संविधान बनने के बाद सब इक्वल हो गए, तो अब क्या होगा कि ना कोई उच्च वर्ग वाली बात होगी ना निम्न वर्ग वाली बात होगी, सबके सब समान वर्ग में। और जब समान वर्ग की बात होगी, अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अच्छे संबंध स्थापित नहीं थे। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग वाले निम्न वर्ग को बुरा मानते थे, गंदा मानते थे, ठीक है, और निम्न वर्ग वाले उच्च वर्ग से इसलिए ही घृणा करते थे कि वो उनको ऐसा मानते हैं, नीच कमीना सब कुछ गाली वाली जो मानते हैं वो मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन आ रही थी। तो कैसे यहाँ संबंध मानवीय होंगे, मानवीय संबंध दिखते थे वहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं उनको दबाया कुचला जाता था, ठीक, तो मानवीय संबंध नहीं है, अच्छे संबंध स्थापित नहीं है। अच्छे संबंध स्थापित कहाँ पे हुए? जबकि कंडीशन खत्म कर दिए वाली, कौन सी? उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाली कंडीशन ही खत्म कर दी, इसको मिटा दिया यहाँ से, ठीक है। ये होगी कंडीशन आपकी खत्म। अब क्या हो गया, सब इक्वल हैं, ठीक, अब इक्वल हो गए, अब कोई कुछ भी करो सब एक समान हो गए, ठीक है। कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। अब क्या आप जब जाते हो डॉक्टरी राजकारण तो पूछते हो कि आप कौन से वर्ग से हो, ठीक, उच्च वर्ग से हो निम्न वर्ग से हो, नहीं ना। अब क्या होगा, एक समानांतर अवधारणा उत्पन्न हो गई इनमें, ये सब समान हो गए, और जब समान होंगे लोग तो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल बनेगा, ठीक है, अच्छे संबंध स्थापित होंगे जिससे एक दूसरे की सहायता की जा सकेगी, एक दूसरे को समझा जा सकेगा, एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया जा सकेगा। और जब आप भावनाओं का आदर करेंगे, ऊंच नीच का व्यवहार खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा, समानांतर वर्ग स्थापित होगा। यानी कि जो समानांतर संचार की जो प्रक्रिया है उसका सेकंड उद्देश्य क्या है कि अच्छे मानवीय संबंधों को स्थापित करना, इसका उद्देश्य है समानांतर प्रक्रिया का, तभी समानांतर प्रक्रिया को अपनाया गया, वरना हम अपवर्ड और डाउनवर्ड में खुश थे, ठीक है, ऊपरी मुखी और निचला मुखी वाले संदर्भ में खुश थे, इस पर क्यों आते हैं हम, समानांतर अपनाना भी जरूरी है। थर्ड इसका डिस्कस करते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा, ये कुछ वर्ग मैं बना रहा हूं, ठीक है, इन वर्गों को देख लीजिए। अब यहां पर जो वर्ग बना रहा हूं वो किसी प्रकार से हो सकते हैं, बहुत काम के वर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। ये लीजिए, एक जगह बची थी वही बना दी मैंने। अब देखिए ये एक संगठन हो सकता है, संगठन में इसको नाम दे रहा हूँ क्योंकि संगठन में हम किसी भी चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। किसी भी चीज़ का मतलब क्या है, कोई ऑफिस का समूह, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कोई ऑफिस का ग्रुप है, ऑफिस है, ऑफिस कोई ग्रुप है, कोई सोशल वर्कर हैं उनका ग्रुप है, सोशल वर्कर का ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप जैसा ग्रुप है, फेसबुक जैसा ग्रुप है, कोई क्लास रूम का ग्रुप है, पार्टी ग्रुप है, या कुछ और फ्रेंड्स ग्रुप है,
ठीक, तो विभिन्न प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं, इसलिए मैंने नाम क्या दिया है इनको, संगठन। अब क्या हुआ कि जो ग्रुप है इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो कोई भी हो सकता है, विभिन्न वर्गों से हो सकते हैं। विभिन्न वर्ग कैसे होंगे, वर्गों को हम देखें तो वर्गों को हम धर्म के आधार पर देख सकते हैं, जाति के आधार पर देख सकते हैं, धन के आधार पर देख सकते हैं, शिक्षा के आधार पर भी देख सकते हैं, सामाजिक आधार पर भी देख सकते हैं, ठीक। और कौन सा आधार हो सकता है सोचिए, वैसे तो जो खास आधार हैं वो यही बनते हैं, ठीक है। एक शिक्षा ना हो करके, शिक्षा के साथ में आता है ज्ञान का आधार, इसको भी देख सकते हैं, जरूरी शिक्षित व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो, ज्ञान का आधार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आधार के लोग इनमें हो सकते हैं ग्रुपों में। इन सब आधार के लोगों में विभिन्न वर्गों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, करना है, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तब आप किसी ये नहीं कह सकते, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और मैं आपसे पूछूँ, अभी मैं पूछूँ कमेंट करके कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से वर्ग से आप बिलोंग करते हो इनमें से, ठीक है, तो बात तो ये गलत है। मेरे को क्या मतलब है या फिर आपको क्या मतलब है, आपका काम है पढ़ना और मेरा काम है पढ़ाना, ठीक, केवल यही काम है हम दोनों के बीच में, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो इसमें कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म, कोई शिक्षा, इन सब की बात नहीं होगी, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, शिक्षा की बात होगी यहाँ केवल, ठीक है। शिक्षा क्या, देना और लेना, आदान प्रदान, शिक्षा का आदान और प्रदान, बस इनकी बात यहाँ पर होगी, ठीक, किसी और चीज़ को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब शिक्षा का आदान प्रदान किसी माध्यम से हो वो हमारी बात है, ठीक है। तो इन सब की बात को करके हम, उद्देश्य क्या है, विभिन्न वर्गों के बीच में समन्वय स्थापित करना, इक्वलिटी लाना, ठीक, कम्युनिकेशन बनाना। यहाँ पे अपवर्ड डाउनवर्ड वाली बात नहीं चलेगी कि भाई नीचे का इंसान कैसा, ऊपर का इंसान कैसा, वो सब बातें नहीं होंगी यहाँ पे स्थापित, ठीक। अगला पॉइंट्स का डिस्कस करते हैं, गतिविधियों, मैं एक रूप तलाना, और एक लक्ष्य के लिए कार्य बाधाएं दूर करना। देखिए समझते हैं इसको कैसे, व्यावसायिक गतिविधियों की बात करें क्या, एक रूप तलाने की बात करें कैसे। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक, और ये आपकी कंपनी है, इसमें लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कंपनी में लोग काम कर रहे हैं। अब आपकी कंपनी जो काम कर रही है, ठीक, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है, कच्चा माल, कच्चे माल की आवश्यकता है। आपकी कंपनी नाम मैंने दे ए, अब आपको पता लगा कि कोई बी कंपनी है, ये वो कच्चा माल बनाती है, ठीक है, इसके पास उपलब्ध है कच्चा माल है, कच्चा माल उपलब्ध है इसके पास। अभी क्या करेंगे कि ये जो इंसान है यहाँ वाला यहाँ से बात करेगा, ठीक, लेकिन अगर ये सोचे कि यार ये कंपनी तो मुझसे छोटी कंपनी है भाई, ये कंपनी तो मुझसे छोटी कंपनी है, या फिर ये सोचे कि अरे ये कंपनी तो नई नई शुरू हुई है, मुझे छोटी कंपनी है, मैं तो माल नहीं दूंगा इसको, या फिर ये सोचे माल नहीं दूंगा,
इनका दोनों काम क्या है, केवल व्यवसाय करना, ठीक। इनको दिख रहा है ए वाले को कि ए के पास क्लाइंट आया, ठीक है, बी, बी के पास क्लाइंट आया, किलो रॉ मटेरियल हम दे रहे हैं बनाओ, उसको पता है कि रॉ मटेरियल मिलेगा मुझे 10 रुपये का, 10 रुपये का मेरा खर्चा आएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट तैयार होगा 50 का बिकता है मार्केट में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 30 रुपये का। कहेगा ठीक है भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, करो काम चलेगा। सेम प्रोसेस यहीं पर है कि मेरा कच्चा माल रेडी कितने में होता है, 5 रुपये में, ठीक, ये मेरे को 10 रुपये दे रहा है, मेरा डबल का प्रॉफिट है, दुगने का प्रॉफिट आ रहा है, मैं भी करूँगा काम को। तो यहाँ पर इस प्रकार का काम चलेगा। अब यहाँ पर कहीं सोचे कि भाई तू तो छोटी कंपनी है, तू बड़ी कंपनी है, फिर तेरे कंपनी का धर्म ही अलग है, मेरी कंपनी का धर्म अलग है, तेरी कंपनी में एम्प्लॉय कम है, मेरी कंपनी में एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, ठीक, आपकी कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, तो ये प्रकार की बातें हैं। हालांकि ऐसी बातें कभी हो जाती है, बंदा पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कंडीशन अलग है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वे में कम्युनिकेशन की बात आएगी, ठीक है। तो ये व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अच्छा है। अगला है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कैसे होगा, देखते हैं इसी में। देखिए एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य क्या है, मान लीजिए कुछ मित्र हैं, ठीक है, हालांकि अब मित्रों की शक्ल कुछों की अच्छी नहीं बन रही, कुछों की अच्छी बन रही है, देखो तो इसको आप कंसिडर कर लेना, अच्छी बने या बुरी, देखिए ये इनका एक ग्रुप है और ये बैंड का ग्रुप है, म्यूजिक बैंड, ठीक है, ये म्यूजिक बैंड बना चलाते हैं अपना, ये ड्रम बजाता है, ये गिटार बजाता है, ये झुनझुना बजाता है, अलग अलग चीज़ें बजाते हैं, कोई गाना गाता है, कोई डांस करता है, कोई करतब दिखाता है, सबका अपना काम है। अब इनका लक्ष्य क्या है कि अपनी कंट्री का, ठीक है, जो भी इनकी शहर है, मान लीजिए इंडिया लेते हैं, इनका लक्ष्य है कि इंडिया का नंबर वन बैंड इनको बनना है, ठीक है, नंबर वन बैंड बनना है इनको, ये पोजीशन चाहिए इनको। अब सोचिए इस लक्ष्य, एक लक्ष्य हो गया इनका, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो व्यक्ति है ये कहेगा मैं नहीं कर रहा प्रयास, इसका काम अलग इंपॉर्टेंट है लेकिन ये प्रयास नहीं कर रहा। अब देखिए ये बैंड है जिनका लक्ष्य क्या है, इंडिया का नंबर वन बैंड बनना इनका लक्ष्य है, इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब क्या होगा कि जो 8 मेंबर हैं इनके बैंड में, टोटल 8 जो मेंबर हैं इनके बैंड में, इन सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। मान लीजिए डांस वाले डांस करना मना कर देगा, यार मैं डांस नहीं करूँगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर जो गिटार वाला उसने बोला मैं तो गिटार ठीक से नहीं बजाता, वो सबके साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये गिटार ठीक से बजा नहीं रहा, हटा सुस्त एकदम, तो क्या होगा, क्या लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि इनमें कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पर पूछेंगे भाई मतलब तुम्हारी समस्या क्या है ये बताओ, बोलेगा मेरे को गिटार बजाना पसंद नहीं, वैसे नहीं हो रहा, तुम डांस भी दे दो गिटार से दे दो, बोला ठीक है कर लो जैसे आपको अच्छा लगे, आपस में वह चेंज करो, अगर नंबर एक वाले को नंबर 8 वाला बनना है तो बन जाओ, नो प्रॉब्लम, नंबर 7 वाले को नंबर 4 वाला बनना है तो बन जाओ, नो प्रॉब्लम, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लक्ष्य हमारा एक ही, उसको ही प्राप्त करना है। तो क्या हो गया, ये बराबर कम्युनिकेशन है इनके अंदर और ये एक दिन इंडिया का नंबर वन बैंड बन के दिखाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या होता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किया जाता है उसमें, ठीक। अब अगला समझिएगा बाधाएं दूर करना, इसके लक्ष्य में उसका उद्देश्य में आता है। ये कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है। अब देखिए वैसे तो बाधाएं जीवन में सभी के लाइफ में होती हैं, ठीक, अब ऐसा तो नहीं है कि बाधाएं नहीं है। मान लीजिए ये 4 एक अच्छे मित्र हैं, ठीक है, उसमें से ये जो मित्र है ये किराए के मकान में रहता है,
ये किराए के मकान में रहता है, बाकी तीनों का अपने घर है। अच्छे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत बढ़िया मित्र हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अब बेचारे को उसको तकलीफ है बार बार, ये बार बार बोलता है यार किराए का घर है, दिमाग खराब हो जाता है, मकान मालिक जीने नहीं देगा, घर जल्दी पहुँचो, ठीक है, ये मत करो वो मत करो, फलाना ढिमकाना, बहुत दुखी कर रखा है। और इन तीनों की वजह, इसकी वजह से, अकेले की वजह से बाकी इन तीनों को प्रॉब्लम होने लगी है। प्रॉब्लम तो होगी यार, जब उसका मित्र प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, ठीक है। कहेगा भाई तू चाहता क्या है बता। बोला यार किराए का मकान छुटकारा पाना। बोले एक काम कर अपना मकान ले ले। बोले भाई बहुत पैसा चाहिए। पूछा भाई तू कितना अरेंज कर सकता है। मान लो मकान आ रहा है आपका छोटा, देख ले छोटा ले रहा है, देखो बहुत बड़ा मकान नहीं ले रहा, छोटा मकान ले रहा है। मान लो मकान आ रहा है इसका 15 लाख का। मैंने बोला 15 लाख का मकान मैंने देखा, वो मेरे लिए बहुत ठीक है, मैं रह लूँगा उसमें। बोले ठीक है एक काम कर, तो जितना अरेंज कर सकता कर ले, बाकी हम अरेंज कर रहे हैं। इसने बोला भाई मैं 5 लाख अरेंज कर लूँगा। इसने 5 लाख का बंदोबस्त कर लिया, 5 लाख कर लिया, बाकी भी 10 लाख। अब इन तीनों ने मिलकर क्या किया, 10 लाख का बंदोबस्त इसके लिए कर दिया, ठीक है। 15 लाख में इसका मकान आ गया। अब क्या हुआ, किराए के मकान छुटकारा हो गया, ठीक। बाधा अभी भी है, हालांकि पूछ रहा बाधाएं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इनका जो कर्जा दिया है वो भी चुकाना है बंदे को। वह थोड़ी है कर्जा दे दिया निकल लिया, ठीक है। हालांकि इनने उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी कि इस कंडीशन पर कर्जा चाहिए। इन्होंने बोला जब तेरे पे जाए जाता हो वैसे दे दियो। इसने पूछा भाई ऐसा है, एक साथ 10 लाख रुपये तुम्हें देना तो मेरे बस के नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा एक ही करके चुकाऊंगा। उसने बोला ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दे दी कि जिसको पहले चाहिए कोई जरूरत बता दो। मान लीजिए इसके बगल वाले दूसरे मकान, इसने बोला भाई देख मेरी शादी है मुझे ज़रा चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है एक काम कर, एक साथ दे नहीं पाऊँगा, हाँ हर महीने से किराया मान लो किराया कितना 10,000 रुपये मान लो किराया दे रहा था, 10,000 रुपये किराया दे रहा था। इसने बोला भाई मेरा किराया बचेगा थोड़ा और मिला करके, मैं तेरे को 20,000 महीने का दे देता हूँ। बोला भाई ठीक है तू दे दे इकट्ठा करके दे दे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अगर सबका कर्ज उतार लेगा, इसके पास घर हो जाएगा, बाकी सबका पैसा आ जाएगा। तो ये क्या किया इन्होंने कि जो बाधाएं आई थी इनकी लाइफ में, अब क्या हुआ, इसको टेंशन नहीं कि मकान मालिक कुछ कहेगी, इसको टेंशन नहीं घर पर जल्दी जाना है। हालांकि ये कमीना हो सकता है कि घर पर अभी भी जल्दी जाएगा, ये पहले रात को 10 बजे जाता था, ठीक है 10 बजे जाता था पहले रात को, अभी 8 बजे ही जा रहा है, कह रहा भाई 8 बजे जा रहा हूँ मैं तो घर जा रहा हूँ। अब भी ये पार्टी स्पॉइलर है इनका, ठीक है, पार्टी अब भी ख़राब कर रहा रात की है, लेकिन करे क्या, दोस्त है, एक दिन क्या करेंगे बाधा दूर करने के लिए इसी को दूर कर देंगे। बोला तू एक काम कर, तू पार्टी में ही शामिल नहीं होगा हमारी रात की, दिन में पार्टी है तो आ जा वरना रात में तो तू भाग जा, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने साथ में मिलके बाधाएं दूर करी, और इसको क्या हम कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का प्रोसेस है एक, ठीक है, उसका उद्देश्य है एक, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक उद्देश्य है, ठीक है, कि आप समस्याओं का समाधान साथ में मिलके निकालें, एक दूसरे से वार्तालाप करके बातचीत करके निकालेंगे, ठीक। अगला समझते हैं इसका।